गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान में पाठ 13 उत्पादन उद्योग के बारे में बताऊंगी। उत्पादन उद्योग के बारे में हम जान पाठ 13 उत्पादन उद्योग में अब आज हम इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विषय में जानेंगे। रेडियो सेट तथा टेलीफोन उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1905 में भारत में हुई थी। रेडियो सेट और टेलीफोन उद्योग की स्थापना किस सन में हुई थी? 1905 में हुई थी और कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का प्रारंभ कह सकते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का प्रारंभ भी कह सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL में बेंगलुरु में स्थापित हुई, जिसका उद्देश्य सेना आकाशवाणी हवावान विभाग के उपकरण बनाया था। आज भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, देखो भारत में इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ स्थापना हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी, उसको क्या कहते हैं? BEL का फुल फॉर्म क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसकी स्थापना बेंगलुरु में हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? जैसे सेना आकाशवाणी और हवामान के विभाग के उपकरण बनाना था। आज भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, यानी भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या होता है? इसरो के साथ सहयोग कर कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण किया गया है। इस उद्योग से सामान्य लोगों के जीवन, देश के अर्थतंत्र तथा लोगों की जीवन शैली में बड़े परिवर्तन आए हैं। कंप्यूटर में, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ी प्रगति हासिल की है। बेंगलुरु को उद्योग की राजधानी बनाया गया, उसे भारत के सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। बेंगलोर को क्या? उद्योग की राजधानी बनाया गया और भारत में उसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इस उद्योग के विकास के लिए सॉफ्टवेयर पार्क, विज्ञान पार्क, देखो इस उद्योग के विकास के लिए सॉफ्टवेयर पार्क, विज्ञान पार्क और मतलब तथा प्रौद्योगिक पार्क भी बनाए गए हैं। भारत में इस उद्योग का भविष्य सुनहरा है। भारत में यह उद्योग कैसा है? आगे प्रगति कर रहा है, इसलिए इसका कैसे भविष्य क्या है? सुनहरा है। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरणीय अतिक्रमण, देश के आर्थिक विकास में औद्योगिक उत्पादनों का योगदान उल्लेखनीय है। हमारे भारत देश के आर्थिक विकास में औद्योगिक उत्पादन का योगदान कैसा उल्लेखनीय है, यानी कहते जैसा है। उद्योगों ने प्रदूषण में भी वृद्धि की है एवं पर्यावरण का अतिक्रमण भी किया है। प्राकृतिक तथा मानव सर्जित कारणों से पर्यावरण की गुणवत्ता घट गई है। प्राकृतिक और मानव के कारण कैसा है? पर्यावरण की गुणवत्ता में कैसे घटाव आ गया है, इसे पर्यावरण का अतिक्रमण भी कहा जाता है। उद्योगों के द्वारा मुख्य चार प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं। पहला है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये उद्योगों के कैसे चार प्रदूषण हैं। वर्तमान स्पर्धात्मक समय में उद्योगों ने बड़े प्रमाण में हवा एवं जल प्रदूषित किया है। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अति नुकसानकारक गैसों के कारण हवा प्रदूषित बनी है। वर्तमान समय में स्पर्धात्मक यानी कि आधुनिक समय में उद्योगों ने बड़े बड़े प्रमाण में हवा और जल को प्रदूषित कर दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जैसे ये अति नुकसानकारक गैसें हैं, उनके कारण क्या हमारी हवा प्रदूषित हो गई है। औद्योगिक कचरे के कारण जल प्रदूषण भी बढ़ गया है। आज कई कारखाने नियमों की अवगणना कर औद्योगिक रूप से प्रदूषित पानी को नदी में बहा देते हैं। आज पानी दूषित या अति दूषित बन गया है। इंसान
इन सब नुकसानकारक गैसों के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या है, हवा भी कैसे प्रदूषित हो गई है, और औद्योगिक जहाँ कंपनियां वगैरह चालू है वहाँ के गंदे पानी और केमिकल्स वाले पानी नदियों में जाकर सम्मिलित होते, इससे हमारा जल भी कैसा प्रदूषित हो गया है कारखानों के कारण। ध्वनि प्रदूषण भी मानव जीवन के लिए बहरेपन का एक कारण है। जो ध्वनि प्रदूषण है वो मानव जीवन को बहरा करने का काम कर रही है। अतिशय आवाज के कारण मनुष्य मानसिक तनाव का भी अनुभव करता है। ज्यादा शोर शराबा के कारण क्या है, मनुष्य एकदम तनाव में रहता है। पर्यावरणीय अतिक्रमण रोकने के उपाय, देश का विकास हो परंतु साथ में पर्यावरण का विनाश ना हो, इस तरह विकास करना है। देखो हमारे देश का विकास तो हो, साथ में हमारे पर्यावरण का भी विनाश ना हो, हमें इस तरह विकास करना है। औद्योगिक विकास का योग्य आयोजन कर प्रदूषण की मात्रा घटाई जा सकती है। उपकरणों की गुणवत्ता तथा ईंधन के चयन के द्वारा भी प्रदूषण कम किया जा सकता है। वायु में उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण को फिल्टर, स्क्रबर, यंत्र, प्रेसिपिटेटर्स के द्वारा नियंत्रण में किया जा सकता है। उद्योगों के प्रदूषित पानी को प्रक्रिया कर शुद्ध किया जा सकता है। तो बच्चों आज का पाठ यही खत्म होता है उद्योग का जो है, तो आपको आशा करती हूँ समझ में आया होगा, इसको ध्यान से एक बार और पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।